अस्सलाम वालेकुम आईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं। और देखिए गाइस, धूप देखिए कितनी तेज़ धूप कितनी तेज़ निकल रही है। मेरा आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है और आज के दिन भर की मेरी जो भी रूटीन रहेगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और गाइस, कल हम और आज दोनों गए थे कि बेकिंग का कोई सामान ले लें, लेकिन हम नहीं ले पाए क्योंकि जब हम घर से निकले थे तो लेट तो हो ही गए थे, लेकिन बाहर जाम इतना जाम था कि हमें आधे घंटे से ज़्यादा वहीं बाहर जाम में, कम से कम 45-50 मिनट हम जाम में ही रहे। फिर हम जब मम्मी के घर पहुँचे तो बहुत देर हो गई थी। फिर वहाँ पहुँच के मेरी हिम्मत नहीं हुई, 4 दिनों से दोबारा उतर के मैं नीचे आती, थक गई थी बहुत, बैठे बैठे थक गए हम। तो गाइस देखते हैं कि आज या कल जब भी जाएंगे तो आप सब हमारे साथ चलेंगे, और मैं जब भी सारा सामान लेकर आ जाऊँगी बेकिंग का और केक बनाऊँगी, जो भी बिस्किट केक जो भी बनाऊँ तो आपके साथ शेयर में ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया था, अंडा और पराठा। मेरा पराठा गाइस देखिए कैसा बना है, क्योंकि आटा किचन में रख दिया था मैंने तो वो थोड़ा गर्मी से पतला हो गया था। और यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट के बाद जल्दी मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, क्योंकि सारे ही काम होते हों तो वह जल्दी करने पड़ते हैं, फिर उठने के बाद फिर मैं बैठती नहीं हूँ, बस मैं लगातार अपने सारे काम ही चाहती हूँ कि जल्दी फिनिश हो जाए सब। और बीच में क्योंकि नमाज़ों का टाइम भी होता है तो फिर अल्लाह की इबादत भी करनी होती है और घर की सफाई भी ज़रूरी है। ये हमारे पेड़ हैं, जाड़ों में तो पानी में नहीं डालती, लेकिन हाँ गर्मियों में इन्हें एक दिन छोड़ के वॉश करती हूँ तो ठंडक भी रहती है और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर देखिए मैं असर की नमाज पढ़ रही थी, तो ये क्लिप आज ने ले ली थी, उसके बाद आपसे मिलते हैं। देखिए गाइस, ये है अर्श के स्कूल का बैग। मैंने अर्श के स्कूल का बैग आज वॉश करा था कि जब अर्श का कोर्स आ जाएगा तो मैंने अर्श से कहा था अभी तो तुम यही बैग ले जाओ, फिर मैं ला दूँगी तुम्हें दूसरा बैग। और देखिए गाइस, आज कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा थे, कपड़े तो कमी थे लेकिन हाँ बेडशीट ज़्यादा थी। दीवान को भी मैंने सब झाड़ा साफ़ करा था तो यहाँ से भी बेडशीट हटाई थी, और हमारी 3 बेडशीट ओढ़ने की थी, 5 बेडशीट मैंने आज वॉश करी थी। पानी भी ख़त्म हो गया था, मैंने समरसेबल भी चला दिया था। और देखिए गाइस, ये मैंने लहसुन अदरक पीस के रख लेती हूँ, मैंने ये पीस लिया था कि अभी मैं बिरयानी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा इतने अर्श का बैग ड्राई हो रहा है तो मैं इतनी हरी मिर्च प्याज ये सब काट के रख दूँ, और जो गरम मसाला डलता है वो भी निकाल के सब कर लूँ। तो मैंने जल्दी प्याज हरी मिर्च काट ली, लेट बहुत हो गई थी, सुबह पराठा खा लिया था तो दोपहर खाना खाया ही नहीं था हमने। भूख नहीं लग रही थी, फिर कोई खाता ही नहीं है अगर पराठा खा लेते हैं तो, फिर हमने मगरिब के बाद ही खाया था। देखिए अर्श का बैग भी यहाँ ड्राई हो गया था और ये सूख भी गया था। ये देखिए, अब मैंने बिरयानी बनानी स्टार्ट कर दी थी, मैं अपने व्लॉग में तो आपको दे चुकी हूँ बिरयानी की रेसिपी, चिकन बिरयानी की, जो मुरादाबादी बिरयानी की रेसिपी मैंने आपको दे दी है, इसलिए यहाँ सारा प्रोसेस मैंने आपको नहीं दिखाया। तो यहाँ मैं लहसुन अदरक और दही के साथ चिकन को अच्छी तरह से भून रही थी, और इसमें मैंने थोड़ा सा केवड़ा, मैं भूनते में केवड़ा डालती हूँ गाइस। आप भी बिरयानी बनाए ना मुरादाबादी बिरयानी, तो जब लहसुन अदरक और दही डाल के चिकन या मटन जो भी है उसे आप अच्छी तरह भून रहे हों उस टाइम उसमें थोड़ा सा केवड़ा डाल दें तो पूरी जब बिरयानी रेडी होती है तो बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। और हरी मिर्ची मैं बाद में डालती हूँ क्योंकि फिर ये गल जाती है ना ज़्यादा, और हमारी हरी मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं थी इसलिए मैंने ज़्यादा डाली है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आपकी ज़्यादा तीखी है या आप ज़्यादा तीखी बिरयानी खाना चाहते हैं
तो आपको जैसी अच्छी लगे आप वैसी डाल दीजिए। देखिए गाइज, यहाँ मैंने ना, अर्श ने कहा, अर्श एकदम कहने लगती है मम्मी मुझे रायता भी चाहिए, तो दही तो था लेकिन बूंदी नहीं थी, बेसन रखा था, तो मैंने सोचा लाओ मैं घर में ही बूंदी बना दूँ अर्श को। वैसे मैं बना के दे देती हूँ अर्श को बूंदी का रायता, लेकिन ये जल्दी जल्दी में मैं काम कर रही थी ना, मगरिब की अजान होने वाली थी, ये बूंदियाँ आपस में चिपक गई, फिर भी रायता तो मैंने अर्श को बना के दे ही दिया था। और देखिए यहाँ हमारी बिरयानी रेडी हो गई है, मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था, ज़्यादा कलर अच्छा नहीं लगता, बस मैं हल्का ही कलर डालती हूँ, और ऊपर से मैंने प्याज का बघार कर दिया था, तो हमारी बिरयानी बहुत ही अच्छी बिखरी हुई और टेस्टी बनी थी, एक दाना खिला हुआ चावल का। और अर्ज मुलायम बिरयानी हो जाती ना, मुझे भी पसंद नहीं है, अर्ज भी खाना पसंद नहीं करते। तो गाइस देखिए हमारी बिरयानी रेडी हो गई है, और मैंने चटनी और रायता भी बना लिया था। तो गाइस इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग में, एक अच्छे इंटरेस्टेड व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मैं अपने सारे सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप मेरा व्लॉग वॉच कर रहे हैं। बस जो मेरे न्यू हैं मेरे, वो मुझे वॉच कर रहे हैं, तो मुझे सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए ये मेरी लाल मिर्च की और लहसुन की चटनी थी, और ये था रायता। अल्लाह हाफिज़।